स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट के डे 4 का रिव्यू, साथ ही पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट के डे 5 में क्या हुआ, सीरीज ड्रॉ हुई या पाकिस्तान ले गई। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम और टकाटक पे फॉलो कर लीजिए, आईडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का देख लेते हैं। जब इंडियन टीम 257/6 के आगे खेलने उतरी तो इंडियन टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन 31 रन बना के आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन ने 31 रन की पारी में 3 चौके और 1 छक्के मारे। उसके बाद शहबाज नदीम रन तो नहीं बने उनसे, वो 0 रन बना के आउट हुए, लेकिन उन्होंने 12 बॉल का वेस्टेज कर दिया, 2 ओवर इंग्लैंड के बॉलर्स को थका दिया। उसके बाद ईशांत शर्मा ने भी 11 बॉल में 4 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह से उम्मीद की नहीं जा सकती है, उन्होंने 2 बॉल पे 0 रन बनाए। हालांकि वाशिंगटन सुंदर ने एक बहुत अच्छी पारी खेली, 85 नॉट आउट रन की पारी खेली और इंडिया के लिए इनके सेकेंड हाइएस्ट रन स्कोरर बने वाशिंगटन सुंदर। इस तरह से इंडियन टीम 337 पे ऑल आउट हो गई। इंग्लिश टीम के लिए अगर विकेट एडिशन पे देखा जाए तो इंग्लिश टीम के लिए जेम्स एंडरसन ने 2 विकेट का एडिशन किया। जेम्स एंडरसन को 2 फास्ट बॉलर्स, 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स यानी ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह का विकेट मिला। वहीं जैक लीक जो पहले दिन बहुत ज्यादा महंगे साबित हो रहे थे इंग्लैंड के दृष्टिकोण से, ऋषभ पंत भी उनके पीछे पड़े थे, उन्होंने भी 2 विकेट निकाली दिए। उन्होंने शहबाज नदीम और रविचंद्रन अश्विन को आउट किया। इस तरह से 337 रन पे पूरी इंडियन इनिंग सिमट गई, 241 रन की लीड मिली इंग्लैंड टीम को। उन्होंने फैसला किया फॉलो ऑन नहीं डाल पाई इंडियन टीम, लेकिन फिर भी इंग्लिश टीम फॉलो ऑन नहीं दिया था क्योंकि आपने देखा होगा 2002 का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन दिया था लेकिन चौथे इनिंग में स्कोर चेंज नहीं कर पाए थे राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की बहुत अच्छी पारियों के वजह से। तो दोस्तों, जब इंग्लिश टीम बैटिंग करने उतरी वापस तीसरी इनिंग में तो इंग्लिश टीम की शुरुआत बहुत खराब रही और कभी संभल ही नहीं पाई इंग्लिश टीम। पिच बहुत खराब हो चुकी थी, स्पिन बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था, लेग स्टंप पे चल के ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा था बॉल, यानी आप इसे समझ सकते हैं एक रफ बन चुका था, बहुत ज्यादा विस्फोट हो रहे थे पिच में, इसलिए इंग्लैंड टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाई। इंग्लैंड टीम के लिए पहले ही बॉल में जब इंग्लैंड टीम बैटिंग करने आई तो रॉरी जोसेफ बर्न्स बिना खाता खोले पहले बॉल पे 0 रन पे आउट हो गए। उसके बाद डॉम सिबली थोड़ी देर बैटिंग की डॉम सिबली ने, लेकिन डॉम सिबली भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, 16 रन बना के आउट हुए। फिर डैन लॉरेंस ने 18 रन बनाए। कप्तान जो रूट ने इस इनिंग में बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत प्रभावित किया, उन्होंने 32 बॉल खेल के 40 रन बना डाले जो टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है, और फिर आउट हो गए। वो जसप्रीत बुमराह की एक बॉल उस जगह पे पड़ी जहां पे एक रन बन गया था तो वहां पे विस्फोट हुआ, बॉल नीचे रही और जो रूट LBW हो गए। बेन स्टोक्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बेन स्टोक्स 7 रन बना के आउट हो गए। ओली पॉप ने 32 बॉल पे 8, वही जॉस बटलर ने 40 बॉल पे 24 रन बनाए। सारे बैट्समैन के आउट होने के बाद आप बॉलर से क्या जो उम्मीद कर सकते हो, लेकिन फिर भी डॉम बेस ने निराश नहीं किया, उन्होंने बॉलर्स के हिसाब से 25 रन बनाए 55 बॉल खेल के जिसमें 3 चौके भी शामिल थे। 5 रन पे आउट हुए जॉफ्रा आर्चर, 8 रन पे नॉट आउट गए जैक लीच और साथ ही 2 रन पे आउट हो गए जेम्स एंडरसन। और इंडियन टीम में किस बॉलर ने कितने विकेट लिए इस बारे में बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह को इकलौता विकेट मिला, जैसा कि मैंने बताया कि बॉल थोड़ी नीचे रह गई थी जो रूट के मामले में, इसलिए जो रूट LBW दे दिया गया। उसके बाद ईशांत शर्मा को अपना 300वां टेस्ट विकेट मिला, ईशांत शर्मा ने डैन लॉरेंस को आउट किया। शहबाज नदीम को भी 2 विकेट मिले, शहबाज नदीम को ओली पॉप और जोस बटलर का विकेट मिला और रविचंद्रन अश्विन कहर बन के आए इंग्लिश बैटिंग लाइनअप पर। रविचंद्रन अश्विन को सबसे ज्यादा 6 बड़े विकेट मिले, रविचंद्रन अश्विन को रॉरी बर्न्स, डॉम सिबली, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जेम्स एंडरसन और डॉम बेस का विकेट मिला। वहीं अगर फिर जब इंडियन टीम को 420 का टोटल टारगेट मिला इंग्लैंड टीम के 178 रन पे सिमटने के बाद तो इंडियन टीम के लिए रोहित शर्मा ने 12 रन बनाए। रोहित शर्मा ने जोफ्रा आर्चर के 2 ओवर्स मेडन खेले, साथ ही जोफ्रा आर्चर के 1 ओवर में 1 छक्के 1 चौके के साथ 13 रन बटोरे टोटल रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर, और रोहित शर्मा 12 रन बना के आउट हो गए। वहीं अगर बात की जाए शुभमन गिल की तो शुभमन गिल 15 रन बना के नॉट आउट है, उन्होंने 3 चौके लगाए और चेतेश्वर पुजारा भी 12 रन बना के नॉट आउट है। वहीं अगर इंग्लैंड टीम के लिए चौथी इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात किया जाए तो अभी तक तो सिर्फ 1 ही विकेट मिला है और वो मिला है जैक लीच को।
वहीं अगर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे रहे मैच। 127 पर एक थे साउथ अफ्रीकन टीम जब आई बैटिंग करने, टारगेट था बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था जैसे बैटिंग कर रहे थे 365 का, लेकिन फिर जल्दी जल्दी दो विकेट गिरे रैसी वैनडू से और फैफ डुप्लेसिस, लगा साउथ अफ्रीका बिखर जाएगी, लेकिन टेम्बा बबूमा के साथ एडन माक्रम ने संभाल कर रखा। एडन माक्रम के 108 और टेम्बा बबूमा के 61 रन के बदौलत लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये मैच अब फिर से आसानी से बचा लेगी क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एडन माक्रम के आउट होते पूरी पारी ताश के पत्ते की तरह ढह गई। कप्तान क्विंटन डिकॉक शून्य पे आउट हो गए। टेम्बा बबूमा एडन माक्रम के आउट होने के थोड़ी देर बाद तक टिके रहे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए टेम्बा बबूमा और फिर थोड़ी देर बाद 61 रन बना के आउट हो गए। पाकिस्तानी टीम के लिए अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम के लिए 5 विकेट मिले हसन अली को। हसन अली ने दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेट लिए। साथ ही इसी इनिंग में शाहिन शाह अफरीदी को भी 4 विकेट मिले और यासिर शाह जो पाकिस्तान के स्टार स्पिनर है टेस्ट में, उन्हें भी 1 विकेट मिला। इस तरह से पाकिस्तान ने 74 रन से यह टेस्ट मैच जीत लिया और पाकिस्तान ने इस सीरीज में साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। हालांकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों निकल चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाहर, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो जरूर बूस्ट होगा। वहीं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बनी हुई है, न्यूजीलैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई है। अगर कुछ कुछ सिनेरियोज हैं जो आपको सिनेरियोज तीनों टीम के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो सिनेरियोज है। सबसे बड़ा सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्रॉ। अगर इंग्लिश टीम 2 मैच के अंतर से ये सीरीज नहीं जीतती है तो वो भी क्वालिफाई नहीं करेगी, और अगर ये सीरीज हुई ड्रॉ या फिर इंडिया ने सिर्फ 1-0 से जीता तब भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो जाएगी। तो अभी तीनों टीम के चांस ज्यादा है, लेकिन इंडिया के अभी चांस ज्यादा है क्योंकि वो घर पे भी खेल रही है और उनके मैचेस भी बचे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जवाई भी कड़ाई भी।